हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम हैं नवंबर दिसंबर 2019 के रेगुलर स्टूडेंट के, उनका रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है, आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, या फिर आप कह सकते हैं ऑड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, वो ख़त्म हो चुके हैं DU के। अब आप लोग अपना जो रिज़ल्ट है उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिज़ल्ट आने की कोई एग्जैक्ट डेट तो फिक्स नहीं होती, लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि कितने टाइम में रिज़ल्ट आता है। देखिए, दिसंबर ख़त्म होने को है, तो आपका जो रिज़ल्ट होगा वो जनवरी के थर्ड वीक से आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जनवरी के थर्ड वीक से, और आपका रिज़ल्ट फरवरी तक चलेंगे, फरवरी तक इसके रिज़ल्ट आते हैं। अब दोस्तों, DU के अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं ग्रेजुएट लेवल पर, फिर चाहे वो BA हो, BCOM हो, या फिर BSc हो, या फिर BA ऑनर्स, BCOM ऑनर्स, या फिर BSc ऑनर्स हो, तो सभी का जो रिज़ल्ट है दोस्तों वो एक ही दिन में नहीं आता है। ऑफ कोर्स, ये तो यूजुअल सी बात है। तो आपको जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग दिनों में आता है, जैसे आज BCOM का आ गया, फिर कल BCOM ऑनर्स का आ गया, फिर BA प्रोग्राम का आ गया, तो इस तरीके से आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। और यहाँ पर दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि 21 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, 95% ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, और कभी अगर डिले होता है एक दो कोर्सेज का, तो वो 10 फरवरी के बाद भी आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर रिज़ल्ट आपको चेक कैसे करना होता है, DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होता है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम रिज़ल्ट वाला लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट वाला लिंक है, फिलहाल यहाँ पर मई जून 2019 का दिखा रहा है, क्योंकि अभी नवंबर दिसंबर 2019 का नहीं आया है। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो यहाँ पर भी लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आपको अपना कॉलेज वगैरह सेलेक्ट करके, अपना इनरोलमेंट नंबर एंटर करके, जो रिज़ल्ट वगैरह है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो रिज़ल्ट है वो पहले थर्ड ईयर का आता है, फिर सेकेंड ईयर का आता है, फिर फर्स्ट ईयर का आता है। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी हो जाता है कि पहले रिजल्ट सेकेंड या फर्स्ट ईयर का आ जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है कि रिजल्ट पहले थर्ड ईयर का ही डिक्लेयर होता है। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहले फर्स्ट ईयर का आ गया दूसरे नंबर पर, फिर सेकेंड ईयर का। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ, क्योंकि मैंने भी ग्रेजुएशन DU से ही करी है, तो रिजल्ट आपका सबसे पहले थर्ड ईयर का आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट ईयर का। और ये मान के चलिए कि 21 जनवरी से आपके रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो 21 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।